जय हिंद। आज हम लोग कक्षा 10 के गणित की क्लास में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को वज्र गुणन विधि से हल करने के तरीके को सीखेंगे, उसके सूत्र को स्थापित करने की विधि जानेंगे। तो आइए चलते हैं, हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को लिख लेते हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म समस्या के रूप में जब हमें दिया जाता है तो हम देखते हैं कि उसकी पहली स्थिति कैसी हो सकती है। उसकी पहली स्थिति ए वन एक्स प्लस बी वन वाई इक्वल टू सी वन, सॉरी ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो। तो समीकरण एक और समीकरण दो इस तरीके से, या तो इस स्थिति में समीकरण युग्म रह सकता है, या दूसरी स्थिति क्या है, ए वन एक्स प्लस बी टू वाई इक्वल टू सी वन, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई इक्वल टू सी टू। तो इस स्थिति में भी हमें रैखिक समीकरण युग्म दिया जा सकता है समस्या में। तो हम लोग इस स्थिति को भी यदि वज्र गुणन विधि से हल करना चाहते हैं तो इस स्थिति को भी दूसरी स्थिति के रूप में रूपांतरित, यानी सॉरी पहली स्थिति के रूप में रूपांतरित कर देते हैं, अर्थात बराबर के दाईं ओर शून्य मान को प्राप्त कर देते हैं और फिर विलोपन विधि का प्रयोग करते हैं। तो हम इस स्थिति में समीकरणों को ला करके वज्र गुणन विधि के द्वारा हल प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। ए वन को हम लोग लिखते हैं ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो। अब विलोपन विधि के द्वारा हम एक्स चर पद या वाई चर पद को विलुप्त कर लेंगे। तो हम पहले समीकरण को, समीकरण एक समीकरण दो, पहले समीकरण को बी वन बी टू से हम यहाँ वाई चर पद को विलुप्त करके दिखा रहे हैं। आप एक्स चर पद या वाई चर पद जिनको मर्जी हो उन चर पदों को रैखिक समीकरण युग्म से विलुप्त कर सकते हैं। तो बी टू से इन सारे पदों को मल्टीप्लाई मारेंगे, ए वन बी टू प्लस ए टू बी वन सॉरी एक्स इसके साथ प्लस ए टू बी वन वाई प्लस बी टू सी वन इक्वल टू जीरो। अब फिर हम बी वन से दूसरे समीकरण के सभी पद को मल्टीप्लाई मारेंगे, तो बी ए टू बी वन एक्स ए टू इंटू बी वन इंटू एक्स प्लस सॉरी यहाँ ऊपर के समीकरण में गलती हो गया है, हमने बी वन इंटू बी टू किया है, यहाँ हमने ए वन ए टू लिख दिया था, हमें यहाँ बी वन इंटू बी टू लिखना होगा, सॉरी। अब हम यहाँ दूसरे समीकरण के दूसरे पद से बी वन को मल्टीप्लाई करते हैं, तो बी वन इंटू बी टू वाई प्लस बी वन सी टू
इक्वल टू जीरो। अब हम क्या करेंगे, समीकरण एक में दो को क्या कर लेंगे, घटा लेंगे, क्योंकि हमारा वाई चर पद समान गुणांक के साथ हो चुका है लेकिन उसके चिन्ह विपरीत नहीं है। तो हम यहां लिखेंगे घटाने पर, हम घटा लेंगे तो घटाने की संक्रिया में चिन्ह परिवर्तित करेंगे नीचे के समीकरण के सभी पदों का। तो हमने नीचे वाले समीकरण के सभी पद के चिन्ह को प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस कर लिया है। अब ये दोनों वाचक पद एक दूसरे के विपरीत चिन्ह में रहने के कारण शून्य मान को प्राप्त कर लिया। अब हमें ए वन बी टू एक्स सभी पदों को पुनः उतार लेना है, ए टू बी वन एक्स प्लस बी टू सी वन माइनस बी वन सी टू, और बाएं पक्ष में दोनों तरफ जीरो था तो जीरो में से जीरो माइनस करेंगे तो जीरो। अब हम लोग इसमें देख रहे हैं एक्स और एक्स कॉमन है, एक्स को कॉमन ले लिए, ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन प्लस बी टू सी वन माइनस बी वन सी टू इक्वल टू जीरो। अब हमने कॉमन ले लिया है। अब इन दोनों अचर पद को, यह हमारा चर पद है और ये दोनों अचर पद है, दोनों अचर पद को बराबर के दूसरे पक्ष में लेकर चले जाएंगे, एक्स इंटू ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन इक्वल टू माइनस बी टू सी वन प्लस बी वन सी टू। बी टू सी वन बराबर के बाईं ओर प्लस में था तो माइनस में कर लिए बराबर के दाईं ओर, और बी वन सी टू माइनस में था इसे बराबर के दाईं ओर करने पर ये प्लस में हो गया। अब हम लोग यहां लिखते हैं, इसे सीधा कर लिख देते हैं, एक्स इंटू ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन, सॉरी थोड़ा नीचे लिखना चाहिए, एक्स इंटू ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन इक्वल टू बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन। अब हम लोग एक्स के अचर गुणांक से इस तरफ भाग की क्रिया कर देंगे, क्योंकि इस तरफ बराबर के इस तरफ ये गुणा की संक्रिया में है। तो एक्स इक्वल टू बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन बटे ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन। तो इस तरह से हमने एक्स चर के अचर मान को प्राप्त करने का आनुपातिक मान प्राप्त कर लिया। अब हम लोग जिस तरह से किताबों पर देखते हैं कि अनुपातिक मान कैसा रहता है, तो हम यहां इसके नीचे में एक ले सकते हैं। तो अब देखिए यहां पर क्रॉस करेंगे, ऊपर वाले पद को नीचे लाएंगे और नीचे वाले पद को ऊपर लाएंगे, तो एक्स बाय बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन इक्वल टू, और वन को ऊपर लेके जाएंगे तो वन
बाय ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन। तो इस तरीके से हमने एक्स चर के अचर मान को प्राप्त करने का सरल और आसान तरीका प्राप्त कर लिया। हम समीकरण में इन अचर गुणांकों को, समीकरण से इन अचर गुणांकों को लेकर उनकी संक्रियाएं करके समीकरण युग्म के एक चर x का मान प्राप्त कर लिए और उसे यदि अनुपातिक रूप में व्यक्त करना चाहेंगे तो इस रूप में होगा। अब इसी प्रकार हम लोग क्या कर सकते हैं, y चर के मान को प्राप्त कर सकते हैं। और y चर के मान को प्राप्त करने के लिए फिर से या तो इस x के मान को समीकरण एक और दो में रखें तो ये थोड़ा बृहत हो जाता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं पुनः यहीं से क्रिया शुरू करते हैं। और जैसे समीकरण एक और दो लिखा हुआ है, इसके बाद फिर से हम लोग क्या करेंगे, यहां से इस संक्रिया को शुरू करेंगे। ये करते हुए आए यहां तक आए और इसके नीचे में हम लोग पुनः इसी संक्रिया को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उनमें जो संक्रियाएं हैं वो बदल जाएंगी, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने y चर पद को विलुप्त किया था, इस बार हम लोग क्या करेंगे x चर पद को विलुप्त करेंगे और y के मान को प्राप्त करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हम दोनों समीकरण को लिखेंगे, हमने दोनों समीकरण को लिख लिया है, लोग यहां से x चर पद को विलुप्त करने के लिए नीचे के अचर गुणांक से ऊपर को गुणा कर देंगे a2 से और ऊपर के अचर गुणांक से नीचे के समीकरण को गुणा कर देंगे। अब a1 into a2 इन सारे प्रथम समीकरण के सारे पद से a2 का गुणा करेंगे, a1 a2 x प्लस b1 a2 b1 y प्लस a2 c1 इक्वल टू जीरो। जीरो से मल्टीप्लाई किए तो जीरो। अब फिर a1 से a1 a2 x। अब हम देख रहे हैं कि ऊपर के समीकरण के x के अचर गुणांक और नीचे के समीकरण के x के अचर गुणांक आपस में समान हो चुके हैं, a1 a2 a1 a2 प्लस a1 b2 y प्लस a1 c2 इक्वल टू जीरो। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण ऊपर के समीकरण में नीचे के समीकरण को घटाएंगे तो लिखेंगे घटाने पर तो अब हम क्या करेंगे, नीचे के समीकरण के सभी पद का साइन बदल लेंगे, सभी प्लस में थे तो उनका विपरीत चिन्ह माइनस हो गया। अब देखिए ये और ये कैंसिल, ये शून्य मान यहाँ, अर्थात x चर पद दोनों समीकरण के x चर पद विलुप्त हो चुके हैं। अब हमारे पास y चर पद बचे हुए हैं, a2 b1 y माइनस a1 b2 y प्लस a2 c1 इक्वल सॉरी माइनस a1 c2 इक्वल टू जीरो। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें देख रहे हैं कि y इस पद और इस पद में y कॉमन, तो y को बाहर कर लेंगे, a2 b1 माइनस a1 b2 इक्वल टू। अब हम इन दोनों पदों को बना के उस तरफ लेके चले जाएंगे तो a2 c1 माइनस सॉरी तो ये प्लस में है, ये प्लस में है तो बराबर के उस तरफ जाने पर माइनस a2 c1
आर के माइनस में है तो प्लस ए वन सी टू, इस तरीके से हमने क्रिया कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हमें y का मान प्राप्त करना है, तो y इक्वल टू माइनस ए टू सी वन प्लस ए वन सी टू बाय आर, ये अचर गुणांक है और ये अचर गुणांक इस तरफ बराबर के इस तरफ गुणा में है, तो दाई ओर लेके जाएंगे तो भाग में हो जाएगा ए टू बी वन माइनस ए वन बी टू। अब देखिए कि हमारा यदि हम प्लस और माइनस के साइन को सीधा करके प्लस वाले को पहले लिख दें, ए वन सी टू माइनस ए टू सी वन बाय ए टू बी वन माइनस ए वन बी टू, तो हम देखते हैं कि नीचे के पद में ए टू बी वन माइनस ए वन बी टू, लेकिन हमें यदि इस रूप में बराबर के रूप में लिखना है तो हम क्या करेंगे, दोनों पद से माइनस कॉमन ले लेंगे, वाई इक्वल टू माइनस ए वन सॉरी, जब हमने माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस में था तो माइनस हो जाएगा, माइनस ए वन सी टू और ये पद माइनस में था तो प्लस में हो जाएगा, प्लस ए टू सी वन बाय और नीचे के पद में भी माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस माइनस ए टू बी वन प्लस सॉरी ए वन बी टू। अब देखिए नीचे के माइनस और ऊपर के माइनस को कैंसिल किया तो हमें अब इसको सीधा करके लिख देते हैं, ए टू सी वन माइनस ए वन सी टू बाय ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन। अब यदि हम यहां y दिए y के नीचे में तो इस तरीके से हमने y चर के अचर मान को प्राप्त करने का गुणांकों का उपाधिक मान प्राप्त कर लिया। अब इन्हें भी यदि समानुपात में व्यक्त करें तो इसके नीचे में कुछ नहीं है तो एक, तो अब हम एक को ऊपर की ओर क्रॉस करेंगे और ऊपर के पद को नीचे की ओर, तो y बटर ए टू सी वन माइनस ए वन सी टू इक्वल टू वन, वन को ऊपर की ओर लेके गए ताकि हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, तो ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन। अब हमने सामान्य रूप से यानी पहले की स्थिति के रूप में दाएं पक्ष में जो मान प्राप्त किया था अनुपातिक मान, अचर का अनुपातिक मान, उसी रूप में y को प्राप्त करने के लिए जो व्यंजक प्राप्त किया उस व्यंजक के दाएं पक्ष के मान को भी हम पहले के व्यंजक के रूप में व्यक्त कर लिए, वन बाय ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन। अब हम देखते हैं कि इस स्थिति यानी पहले की स्थिति और ये दूसरी स्थिति, पहले की स्थिति का दायां पक्ष और दूसरी स्थिति का दायां पक्ष आपस में समान है, तो हम लिख सकते हैं कि इसलिए ये पक्ष
और ये पक्ष दोनों आपस में क्या है इक्वल, इसलिए एक्स वाई बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन इक्वल टू वाई वाई ए टू सी वन माइनस ए वन सी टू इक्वल टू, क्योंकि एक्स चर पद का अनुपातिक मान इतने के बराबर और वाई चर पद का अनुपातिक मान इतने के बराबर, तो ये दोनों मान एक ही मान के बराबर हैं, तो ये दोनों मान भी आपस में समान होंगे। जैसे हमने सामान्य रूप से निरक्त किया वन बाय ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन, इस तरीके से हमने संबंध भी स्थापित कर दिया कि चर पद के अनुपातिक मान x चर पद के अनुपातिक मान y चर पद के अनुपातिक मान और अचर पद के अनुपातिक मान आपस में समानुपात में। अब हम इतने बृहद स्तर पर सैद्धांतिक रूप में इस संबंध को स्थापित कर पाया, इसे सामान्य रूप से भी हम इन संबंधों को सामान्य क्रिया गुणा से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो अब हम उसके बारे में जानेंगे। हम देखते हैं ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो। अब हम लोग सामान्य रूप से कि इतने लेंथी प्रोसेस से इस संबंध को नहीं प्राप्त करना चाहें तो सामान्य रूप से कैसे करेंगे, यदि हमें x चर पद के मान x चर पद के अनुपातिक मान को प्राप्त करना है तो अंश में सबसे पहले क्या ले लेंगे x, x अंश के रूप में ले लिए और बटे लीजिए। अब देखिए x वाले पद को हम ढक दिए, अब हमें y चर का गुणांक दिख रहा है ऊपर वाले समीकरण में और नीचे वाले समीकरण में भी y चर का गुणांक दिख रहा है, तो ऊपर वाले y चर के गुणांक को नीचे वाले अचर गुणांक c2 से गुणा करेंगे और इसको नीचे वाले y चर के गुणांक b2 को c1 से गुणा करेंगे और उसका अंतर ज्ञात करेंगे, तो b1 c2 b1 c2। अब देखिए यहाँ बी वन सी टू हमें प्राप्त हुआ माइनस बी टू सी वन, अब देखिए एक्स चर पद के अनुपातिक मान को हमने प्राप्त कर लिया सामान्य रूप से, अब हमें यदि वाई चर पद का अनुपातिक मान प्राप्त करना है तो क्या करेंगे ए वन को सी टू से यानी ऊपर से नीचे को गुणा करेंगे इक्वल टू y को अंश में ले लेंगे और a1 वन इंटू सी टू ऊपर से नीचे तो a1 वन इंटू सी टू, फिर माइनस साइन लगाएंगे और फिर a2 नीचे से ऊपर को a2 c1, लेकिन हमारा मान यहां देखिए किस स्थिति में है a2 c1 प्लस में है लेकिन यहां a2 c1 माइनस में है, यदि हमें इसको प्लस में लेना है प्लस में करना है तो ऊपर में साइन क्या ले लेना है माइनस, वो हम करके दिखा दे रहे हैं। अब ये हो गया
अब हमें यदि अचर पद अनुपातिक मान को प्राप्त करना है तो हमने अचर पद को ढक दिया A1 B2 फिर ऊपर से नीचे की फिर हम लोग कहां आएंगे ऊपर से इसे इसे समाप्त किया और अब किनके x और y के अचर गुणांकों का गुणनफल करेंगे किस तरफ से ऊपर से नीचे की ओर और नीचे से ऊपर की ओर तो अचर गुणांक है तो अचर गुणांक का सबसे न्यूनतम संख्या 1 और 1 बटे A1 B2 यानी ऊपर से नीचे वाले को गुणा कर लिए माइनस नीचे से ऊपर वाले को गुणा कर लिए A2 B1 अब देखिए कितनी आसानी से हमारा संबंध प्राप्त हो गया। अब ये यदि हमको हमने जो ऊपर में बोला माइनस साइन लगाने के लिए या तो आप इस रूप में भी रख सकते हैं ऊपर में वाई के साथ माइनस साइन लगा दीजिए। अब इसकी यदि संख्या करके दिखाते हैं तो एक्स बटे B1 C2 माइनस B2 C1 इक्वल टू माइनस वाई बटे और नीचे के पद में माइनस कॉमन ले लेंगे माइनस कॉमन लिए तो ये प्लस में था माइनस में जाएगा ये माइनस में है प्लस में जाएगा तो A2 C1 माइनस A1 ये प्लस में था तो माइनस में लिख दिए A1 C2 इक्वल टू 1 बाय A1 B2 माइनस A2 B1। अब हम लोग क्या करेंगे एक बार एक्स चरपद को चरपद के अनुपात को अचर पद के अनुपात से बराबर कर लेंगे एक्स बटे B1 C2 माइनस B2 सॉरी यहां कैंसिल माइनस माइनस कैंसिल हो चुका है इसे लिखेंगे B2 C1 इक्वल टू वाई बटे A2 C1 माइनस A1 C2 इक्वल टू 1 बाय A1 B2 माइनस A2 B1। अब आप एक बार इसको इसके साथ बराबर कर लीजिए फिर इसको इसके साथ बराबर कर लीजिए तो इस तरीके से हम x और y के मान को प्राप्त कर सकते हैं। तो x के मान को प्राप्त करने के लिए x बटे B1 C2 माइनस B2 C1 इक्वल टू 1 बाय A1 B2 माइनस A2 B1 का है x चर का अचर मान ज्ञात कर लेंगे और फिर y का यदि अचर मान प्राप्त करना है तो y बटे A2 C1 माइनस A1 C2 इक्वल टू 1 बाय A1 D2 माइनस A2 B1 इन्हें आपस में समान कर लेंगे इससे हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा और इससे हमें y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो ये थी हम लोगों की वज्र गुणन विधि के द्वारा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के हल प्राप्त करने की विधि। और जिस तरीके से हम लोग सूत्रों को सत्यापित करते हैं प्रमेयों को सिद्ध करते हैं ये हमारे ही देश का प्रचलन है और आज हमारे देश में सिर्फ आंकिक मान को प्राप्त करने के लिए सैद्धांतिक गणित को भूला जा चुका है कि सबसे पहले आप गणित के किसी भी अध्याय को करने से पहले उनके हर एक सूत्रों को सत्यापित करने की कोशिश करो कि क्या वे पूर्वाधारणाओं के साथ सत्य हैं। हाँ वे सत्य हैं
लेकिन हमारी हमारी इच्छा कैसे जानेगी, हमारी आत्मा कैसे जानेगी कि ये सत्य है? तो जब तक हम उन्हें करके नहीं देखेंगे तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि ये सत्य है या से इन फार्मूलों से हम लोग समस्याओं का हल करना प्रारंभ कर देते हैं। समस्याएं खुद ब खुद हल हो जाएंगी जब आप सिर्फ उस अध्याय के गणितीय समीकरणों का, अभिगृहितों का विवेचन करेंगे, प्रमेयों का विवेचन करेंगे, तो स्वतः ही सारी समस्याएं, उस अध्याय में पूछी गई सारी समस्याएं स्वतः ही सॉल्व हो जाएंगी। इसलिए आप दूसरे देश की पद्धति, हालांकि हमारे संपूर्ण इंडिया में लॉर्ड मैकाले की चलाई गई शिक्षा पद्धति चल रही है, जिसकी वजह से आज हम क्या शिक्षा को एक दूसरे स्तर से आंकते हैं कि शिक्षा का मतलब पैसा होता है, शिक्षा का मतलब जॉब होता है, शिक्षा का मतलब ना एक शायद सामान्य रूप से सामाजिक स्थिति को देखते हुए पता चलता है कि ना कि एक नौकरी होती है। नहीं, शिक्षा का अर्थ मानवीय जीवन को प्राप्त करके समाज को सुनियोजित ढंग से चलाने की प्रक्रिया है, और इसका इस्तेमाल हम कहीं नहीं करेंगे, लेकिन जीवन के हर एक पहलू में इसका इस्तेमाल होना है। जो हमारे देश के सबसे महान गणितज्ञ और अपनी कम उम्र की अवस्था में इस दुनिया को बता के गए कि ये दुनिया इन्फिनिटी है और इस इन्फिनिटी को मानव काउंट कर सकता है, इसके नाम पर दूसरे देशों में आज भी वे अपने बच्चों को मूवी बनाकर दिखाते हैं, ए मैन हु न्यू इन्फिनिट, एक आदमी जो अनंत को जानता था या जानता है, और उनका नाम श्रीनिवासन रामानुजन था। और जब वो बहुत कम उम्र के थे तो उस समय उस विश्व के सबसे बड़े गणितज्ञ प्रोफेसर जे एच हार्डी को उन्होंने कहा था कि मेरे लिए वो गणित के उन सूत्रों का कोई मायने नहीं है जो हमें अध्यात्म नहीं बताता, जो हमें भगवान की ओर अग्रसरित नहीं करता है। और शायद रामानुजन के गणित की सीमा के परे नहीं हो सकते हैं, इसलिए क्योंकि जो उस समय के विश्व के सबसे बड़े गणितज्ञ थे वो उनकी सीमा को नहीं पार कर पाए, और आज के ही गणितज्ञ, आधुनिक समय के गणितज्ञ जो इतने ज्यादा स्वयं को विज्ञान की दुनिया का प्रणेता समझते हैं, आज भी उनके प्रमेयों को नहीं सुलझा पाते हैं, सिद्ध नहीं कर पाते हैं। हालांकि उनका प्रमेय आज हम लोगों के बहुत सारे दैनिक जीवन में होने वाले वैज्ञानिक अनुसंधान में प्रयोग किया जाता है, जैसे मॉक थीटा फंक्शन, मॉक मॉड्यूलर फंक्शन, इन सारे प्रमेयों को उन्होंने अपने जीवन की कम उम्र की अवस्था में ही लिख दिया, और आज उन प्रमेयों का संपूर्ण विश्व के लोग प्रयोग कर रहे हैं अलग अलग तरीके से। हाँ, उन्हें हम सत्यापित नहीं कर पा रहे, लेकिन फिर भी हमें अपने देश के उन लोगों का अनुयायी बनना चाहिए जिन्होंने विश्व के मानचित्र पर गणित के पटल को, गणित के पन्ने को उल्टाया और बताया कि भारत पहले भी विश्वगुरु था और फिर भी आज भी विश्वगुरु रहेगा, और उन्हें हम जैसे, आप जैसे, संपूर्ण भारत के बहुत सारे लोगों में रामानुजन को देखने की ललक थी। इसलिए आप सिर्फ, आपका जीवन इतना सामान्य नहीं है कि आप नॉर्मल अपने जीवन को ना सामान्य रूप से लेते हो और फिर अपने जीवन से परे होकर के इस ब्रह्मांड से चले जाते हैं। इसलिए मैं हर एक विद्यार्थी से अनुरोध करूंगा, आप पढ़ो और
इस उत्कंठा से पढ़ो कि हम भी अपने पूर्वजों के डीएनए को, अनुवांशिकी को इतिहास के पन्ने में दोहरा सकें। जय हिंद।